महाराजगंज की है ललकार। अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी अनिल मौर्य ने रविवार को शहर कोतवाली में ब्लैक प्रमुख और सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट सहित 11 लोगों पर कार्य में बाधा और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान ब्लैक प्रमुख प्रमोद यादव ने बताया कि मेरे ऊपर दर्ज करवाया गया मुकदमा कूटरचित है, प्रशासन को लोग पूरी तरह से जांच कर ले, अगर कहीं से भी मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारी अनिल कुमार द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखा हूँ, शायद वो भी मुझे नहीं देखे हों। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लड बैंक से ब्लड की कालाबाजारी की जाती है, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे सहित SIC भी शामिल है। ये झगड़ा इन लोगों और HN सिंह के वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा है। ब्लड बैंक में जो बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया, पूरी तरह से झूठ और निराधार है। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के FIR दर्ज किया जाए और उसका कोई दोष भी ना हो, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए कहा कि अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ की गए मुकदमे की इस कार्रवाई से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यह सच है कि मैं ब्लड बैंक नहीं गया था और ना ही कोई मेरी CCTV फुटेज है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए मेरे नाम का ब्लड बैंक कर्मचारियों ने प्रयोग किया है। आप पर दर्ज हुआ है, आपसे 11 लोगों पर, क्या मामला है और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं से इतना कहना चाहता हूं कि जो ये मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई है, ये कूट रचित ढंग से रची गई है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। और कहना यह चाहता हूं कि जिन लोगों में आपसी विवाद है, उन लोगों में HN सिंह और सुभाष पांडे, डॉक्टर चंद्रहास, ये तमाम लोग, HN सिंह से विवाद हुआ था, सुभाष पांडे से, उसका मुकदमा दर्ज है। चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और उनके पास भट्ठा है, वो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, संबंध अच्छा है, तो इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत जो ब्लड बैंक में बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया था, ये सरासर झूठ है और गलत है। चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के FIR कर दिया जाए और उसका कोई दोष भी ना हो, तो मेरे साथ न्याय हो और अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे इस मुकदमे से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना मैं ब्लड बैंक गया था, न मेरी कोई CCTV फुटेज है, न कोई मेरी बात है, जिसने FIR कराई है उसको मैं न जानता हूँ, न मैं उसका चेहरा देखा हूँ, पता नहीं वो मुझको जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ये साजिशन FIR दर्ज कराई गई है, इसकी सत्यता की जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। जिस तरह से अनिल कुमार जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, और झगड़ा सुभाष पांडे और HN सिंह के बीच में है, तो आपको लग रहा है कि इसमें सुभाष पांडे का पूरा रोल है? जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। चूँकि लोकल होने के नाते हम लोग को ये पूरी तरीके से पता है कि आम जनमानस जब ब्लड बैंक जाता है तो ये लोग ब्लड की काला बाजारी में बहुत तगड़े में लिप्त हैं, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे, यहाँ तक कि SIC का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि HN सिंह जी का सुभाष चंद्र पांडे से
व्यक्तिगत विरोध है, इसलिए एचएन सिंह से मेरे संबंध हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम उसमें डलवाया है, और जबकि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। अभी एचएन सिंह ने एक मुकदमा दर्ज हुआ था सुभाष पांडे को मारपीट का, तो उसी का बदला नहीं लिया गया है? निश्चित तौर पर एचएन सिंह भी स्वास्थ्य विभाग के पुराने कर्मचारी हैं, रिटायर हैं, और इन लोगों में जो है बहुत ही गहरी अदावत चल रही है। फौजदारी का मुकदमा इन लोगों के बीच कायम हुआ था, तो इसलिए इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम इसमें शामिल किया है, ताकि ये लोग भ्रष्टाचार और जो गोलमाल कर रहे हैं इसमें कोई आदमी बोल ना सके, और डरा करके, धमका करके, FIR दर्ज करा करके ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो आप इस मामले में जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वो किसी भी स्तर की जांच हो जाए? किसी भी स्तर की जांच का सामना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सत्यता की जाँच करके अगर मैं दोषी हूं तो मुझको सजा देने का काम करें। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।